एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुरमुरे का लड्डू बना रही हूँ मैं आज। उसके लिए मैंने लिया है ये आधा किलो मुरमुरे। उसको पहले भून लेंगे, ड्राई रोस्ट करना है ताकि मुरमुरे क्रिस्प हो जाए। बहुत इससे अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ये लड्डू मैं बना रही हूँ बस 2 इन्ग्रीडियंट्स से। तो मुरमुरे को पहले भून लेंगे और बाहर निकाल लेंगे जब वो क्रिस्प हो जाएगा। फिर उसी कढ़ाई में डालेंगे 250 ग्राम गुड़। गुड़ में डालेंगे थोड़ा पानी। पानी के साथ गुड़ को मेल्ट होने देंगे। इसको भी 4 से 5 मिनट लग जाते हैं क्योंकि ये गुड़ हार्ड है, तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा मेल्ट होने में। और कुछ गुड़ जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर पहले इसे मेल्ट करेंगे और इसे चेक कर लेंगे कि ये लड्डू के लिए रेडी हुआ है कि नहीं। उसके लिए एक बोल में पानी लेंगे और पानी के ऊपर ये डाल के चेक करेंगे कि अभी हो रहा है कि नहीं। लेकिन पहले इसको मेल्ट होने देंगे अच्छे से, और फिर एक कटोरे में पानी लेके उसमें चेक करेंगे। थोड़ा सा मैंने डाला है स्पून से, और अपने हाथों से देखेंगे। अगर इसके बॉल बन रहे हैं तो समझ जाइए ये रेडी हो गया है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है। देख सकते कैसे इसमें घुल जा रहा है, तो अभी नहीं हुआ है अच्छे से। और फिर से और पकने देंगे गुड़ को, और फिर चेक करेंगे एक बार। जैसे ये ऐसा बॉल बनने लगेगा फिर समझ जाए कि ये हो चुका है। फिर इसमें डाल देंगे ये मुरमुरे। गुड़ जैसे ही पक जाएगा वो अच्छे से, और चेक करने के बाद मुरमुरे डाल देंगे। अच्छे से चारों तरफ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसके लड्डू बनाएंगे। पहले अच्छे से आप मिक्स कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अच्छे से मिक्स कर दें। ये सर्दियों में बहुत अच्छा है, गुड़ खाना बहुत ज़रूरी है, शरीर को गर्म रखता है। तो गुड़ के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, और भी मैं लड्डू बनाऊंगी आगे आप देखेंगे। तो अब आज मैंने मुरमुरे के लड्डू बनाए हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक कटोरे में पानी लेके साइड में रखेंगे और अपने हाथों में लगाएंगे और उससे बनाएंगे लड्डू। आप वीडियो में देख सकते हो मैंने लड्डू कैसे बनाए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बहुत टेस्टी लगता है ये, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ये लड्डू खाने में। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, तब गैस ऑफ करेंगे क्योंकि ये थोड़ी देर तक गर्म रहता है, फिर ठंडा होने लगता है तो जम जाएगा। तो ये काम जल्दी जल्दी कर लेंगे। गैस को ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद हाथ में पानी लगा के इसके लड्डू रेडी कर लेंगे। बहुत इजीली बन जाता है लड्डू, और जैसे ये ठंडा होगा फिर हार्ड हो जाएगा, फिर आप इसे स्टोर करके रख सकते हो डब्बे में, बहुत दिनों तक ये चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल। तो बच्चों ने भी बोल दिया है